वाले भैया इंट्रो तो लगा दो, इतने भी गरीब नहीं है कि इंट्रो नहीं हमारे पास। ओके तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज है 28 तारीख और आज का व्लॉग करते हैं अभी से स्टार्ट। बजे से 12 बजे तक मैंने एडिटिंग की और 2 बजे तक वीडियो अपलोड हुई थी। मॉर्निंग की पूजा कंप्लीट हो गई है तो अभी टाइम है ब्रेकफास्ट का और देखते हैं आज ब्रेकफास्ट में क्या बनता है। ब्रेकफास्ट में बना है सिमाई। कोई सेंस है इस बात की? एक चीज दिखाओ, ये बच्चे मतलब कंकड़ से खेल रहे हैं। देखो मतलब कुछ भी खेल पकड़ लेते हैं। इन्होंने ये भर लिया पूरा कट्टा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अभी 1 बजा है दोपहर के, तो अभी हमने एक पार्सल मंगाया था, मोबाइल मंगवाया था, तो वो डिलीवरी वाले भैया आ गए हैं, डिलीवरी एजेंट, तो उनसे डिलीवरी कलेक्ट करते हैं। तुम लोग हंस रहे हो, तुम लोग क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? तो गाइस अभी ये जो मोबाइल आया है तो इसकी ओपनिंग करवाते हैं पापा से, तो चलिए कराते हैं ओपनिंग। कैसा लगा पापा? कवर भी तो आया होगा। बस बढ़िया लगा। कैसा लग रहा है पापा मोबाइल? बहुत अच्छा मोबाइल, अच्छा लग रहा। चलो तो गाइस अभी पुराने फोन से नए फोन में सेटअप करने जा रहे हैं, तो अभी जो मोबाइल डिलीवरी हुआ है उसके एक तो सेफ्टी कार्ड लगवाना है और उसका एक कवर लगवाना है, तो अभी हम जा रहे हैं दुकान पर उसमें कवर लगाने और उसमें उसके ऊपर ग्लास गार्ड चढ़वाने, तो अभी जा रहे हैं। चलो चलो। तो गाइस गिलास वगैरह सब चढ़ चुका है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं जैनपुर, वहां से कुछ सामान लेना है, मिठाई वगैरह, और फिर अगला सीन देखते हैं क्या होता है आज। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो गाइस जैनपुर से हम लोग आ गए थे और वहाँ से रसगुल्ले लेके आए, 2 कलर के, पिंक कलर और वाइट कलर। तो अभी शाम हो गई है, शाम के बज चुके हैं 5। तो गाइस आज ना आज मिलिट्री की फोर्स आई थी पेट्रोलियम करने, क्योंकि इलेक्शन 10 तारीख से है, तो इसीलिए पेट्रोलियम कर रहे हो, सबको सतर्क कर रहे हैं कि कोई भी दंगा ना करे, हल्ला ना करे, इसीलिए मिलिट्री आई थी गाँव में। सभी 5:30 बज चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने गांव के ही एक मंदिर में, जो शिवल्ला वाले मंदिर के नाम से फेमस है। तो गाइस मंदिर में एक लड़का मिला था, इसका नाम आर्यन है, तो इसने बोला कि भैया आप YouTube पे वीडियो बनाते हो तो मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। तो बोलेगा कुछ? क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा। तो गाइस कैमरे में देख के हंस रहा है और बोल कुछ नहीं पा रहा। चलो कोई नहीं, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि ये हमारी वीडियोज़ देखता है। तो सब्सक्राइब किया हुआ है तूने? चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है? नहीं। गजब बेइज्जती है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तूने अभी तक? तो अभी जाके करोगे घर पे? हाँ। हाँ। जोर से बोल। हाँ। सरक सरक उधर। तो चलो अभी आर्यन ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था, अब जाके कर लेगा। तो गाइस आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइए वीडियोज आपको कैसी लग रही है। तुमने क्या है? हाँ। इधर आओ। तो गाइस एक बंदा और छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, क्या नाम है तुम्हारा? अथर्व।
अथर्व अथर्व अच्छा इसका अथर्व नाम है गाइस। तो तुमने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है? यस। अच्छा वीडियोस देखते हो तुम? यस। कैसी लगती है? अच्छी लगती है। तो गाइस ये सुनकर बहुत अच्छा लगा हमें। तो गाइस अभी शाम के 6 बज चुके हैं। जो ये मंदिर है ना हमारे गांव का शिवल्ले वाला मंदिर, तो इसमें हर शाम 6 बजे पूजा होती है और शंख वगैरह बजाते हैं। तो बहुत लोग यहां पे इकट्ठा होकर पूजा की जाती है। तो चलिए दिखाता हूं कि यहां पे पूजा कैसे होती है और कितना यहां पे श्रद्धा से लोग आते हैं। आप लोगों ने एक खास बात देखी, जब भी यहाँ पूजा होती है ना तो यहाँ पे मतलब आसपास के जो भी कुत्ते हैं 4-5 कुत्ते, तो ये भी मतलब उनके साथ ही पूजा में लग जाते हैं। और आपने तो सुना ही होगा उनकी आवाज से, वो बेचारे बोल नहीं पाते लेकिन फिर भी पूजा करने की पूरा प्रयास करते हैं। और भगवान एक दिन की आयु देता तो उस एक दिन में क्या क्या अपनी इच्छा पूरी कर दे? एक दिन में? हाँ भाई एक दिन में क्या इच्छा पूरी करते? भगवान जी को याद करते, देखना चाहते, माता रानी सामने आ जाओ, तुम्हारे दर्शन करना चाहते हैं। अपनी कोई इच्छा नहीं है? नहीं नहीं एक दिन में हमारी कोई इच्छा नहीं है। आप बताइए अगर आपको एक दिन की आयु दी जाए भगवान की तरफ से तो आप उस एक दिन में क्या करोगे? ये एक बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आप एक दिन में क्या करोगे। जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। तो गाइस नए मोबाइल से बात हो रही है अपने दोस्त से, बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं पापा। तो कितनी खुशी नजर आ रही पापा के चेहरे पे। आज तो पूरा खिल गए भाई नया फोन लेके। नया फोन मिल गया ना? हाँ। तो बस खुशी से खिल गए आज तो पूरी तरह। मजा आ गया जिनका। गाइस देखिए मामा मामी ने ना तो लूडो की गेम में बैट लगाई हुई है दोनों ने 100-100 रुपए की, और देखते हैं आज कि दोनों में से कौन जीतता है और कौन 100 रुपए को 200 रुपए में बदलता है। क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? तो गाइस बात सस्पेंस में फंस गई है इधर। ओह माय गॉड कौन जीतता है। दोनों को एक नंबर चाहिए, 200 रुपए हो जाएंगे का 100 रुपए के 200। वाव तो सास रुकी हुई है सभी की। माकली 100 रुपए का गेम है गाइस, 100 रुपए का इस टाइम। तो यहाँ पे मामी जीत गई, मामी जीत गई है। वेरी गुड। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इन्होंने बैट लगाई थी कि मैं पक्का जीत कर दिखाऊंगा। रुको रुको। तो गाइस यहाँ पे एकदम गड़बड़ कर दिया मामा ने। 100 रुपए दिखाए और रख लिए जेब में, नहीं दे रहे। क्यों इतनी गड़बड़ क्यों करते हो? तुमने वादा किया था जीतने का। वो जीत भी जाते तो मेरा जेब से जाते, हार भी जाते तब भी मेरा जेब से जाते। तो गाइस अभी रात के 9 बज चुके हैं और हमने डिनर वगैरह करके ना अभी बाहर आए थे गली से, थोड़ा सा बाहरी हमारी मेन रोड है तो यहाँ पे थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं, ठीक है डाइजेस्ट के लिए। तो ये मेरे हाथ में थोड़ा सा गुड़ है, गन्ने का गुड़, इसको खा रहा हूँ। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं तक एंड रखते हैं और मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।